बारिश की स्थिति इतनी दयनीय है कि देखो स्विफ्ट डिजायर को तुम लोग उठा के रख रहे हैं, एक दो आदमी नहीं, कितने लोग, मतलब पानी पानी इतना ज़्यादा गांधी मैदान में होने के कारण, देखिए मतलब इतना बारिश हो रहा है, इससे कितने लोग उठे गाड़ी, मतलब उठा के रखे गाड़ी उठा दिए पूरा, मतलब गजब, देखिए मतलब इतना इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप, आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हैं पटना, और ये पटना हम गांधी मैदान में अभी खड़े हैं, और यहाँ आने के पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि 22 मार्च जो बिहार दिवस होता है, मतलब अभी तक लोग मतलब उतना मतलब हल्के में लेते थे बातों को, और इस बार जो बिहार दिवस जो होने वाला है ना, बहुत एक भव्य लेवल पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बाहर से इंट्रोड्यूस कर दें, ये देखिए खाने पीने का कुछ रहने वाला है, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बन रहा है, मतलब ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में, और ये मेन गेट होने वाला है, ये मेन गेट होने वाला है, क्योंकि मैं इतना इसलिए पहले बता दिया क्योंकि मैं अभी अंदर एंट्री करने वाला हूँ, तो फिर से मैं बैक आने वाला नहीं हूँ। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस मतलब ये नहीं कि ये दो कदम चल लिए ख़त्म हो जाने वाले, ये मतलब स्पेस मतलब अनएक्सपेक्टेड स्पेस है, क्योंकि चलते चलते आपको अप्रॉक्स मुझे लगता है 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं सबसे पहले वो ये मेन गेट का जो बैक एंड है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, और इसके अंदर जो एंट्री होने वाली है ना, वो एंट्री जो होने वाली है वो एक नंबर गेट से होने वाली है, जो कि इधर देख रहे हैं, इधर 7 नंबर गेट है, और इधर मेरे सामने जो इधर देख रहे हैं पीछे अभी जो देख रहे हैं, ये एक नंबर गेट है, मतलब दो ही गेट से एंट्री होगी, बाकी सारी गेट ये गांधी मैदान की ब्लॉक हो जाएगी 22 मार्च के लिए, मतलब जो 22 मार्च आने वाला है वो बिहार दिवस के लिए है। और बिहार दिवस आपको मैं थोड़ा सा बिहार दिवस के बारे में बता दूँ, क्योंकि इसी दिन बंगाल से बिहार अलग हुए थे तो बिहार बने थे, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का दिन है, और इस बार इतना ज़्यादा मतलब ज़ोर शोर से बिहार दिवस को मनाया जा रहा है ना, और बिहार के हर एक स्टेट में ये मेला लगने का आयोजन किया गया है, तो बिहार के हर एक स्टेट में इस बार मेला लगने वाला है। और यहाँ पे गांधी मैदान जो है ना, एक मेन हब माना जाता है, क्योंकि एक सेंटर है, मेन सेंटर भी है, और गांधी मैदान इतना बड़ा स्पेस कहीं है भी नहीं, तो यहाँ मतलब जो मेला लगने वाला है ना, वो बहुत ही भव्य मेला लगने वाला है। और इस दिन जो है ना, बिहार के जो भी चीज़ मतलब जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, मतलब जो भी चीज़ होते हैं ना, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के लाएंगे, और अपने अपने मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ मेरे पास क्या होते हैं क्या नहीं होते, मतलब बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को होती है, बहुत सारी नहीं होती, तो बस ये मेला के थ्रू यही होता है कि सबको दिखाएँ और कुछ समझाएँ। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा बारिश होने के कारण मतलब क्या बताऊँ मैं, बारिश होने के कारण थोड़ा साइड साइड से लोग है, नहीं तो यहाँ पर ना ये मतलब ये आपको देखिए यहाँ पे जो दिख रहा होगा ऑटोमेटिक उधर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, रेड मतलब इसको रेड कारपेट बोल सकते हैं आप, इतना मतलब जो रेविश होता है ना वो उसको बिछाया हुआ है, जिसके कारण रेड कारपेट पूरा लग रहा है। और इस मेला का जो इन्वायरमेंट है ना, इतना खतरनाक इन्वायरमेंट होने वाला है, क्योंकि ये मुझे लगता है अप्रॉक्स 1 एकड़ 1-2 एकड़ बोल सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स बोल रहे हैं, मुझे उतनी आइडिया नहीं लैंड की, तो 1-2 एकड़ में तो जरूर है, क्योंकि इतना जो मुझे स्पेस दिख रहा है। और मैं यहाँ पे अभी 20 मार्च को ही आया हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद मेला होने वाली है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, क्या क्या हो रही है, क्या क्या होने वाली है, तो बस यही तैयारियाँ भी आपको दिखानी थी, और इसे यही दिखाने के लिए मैं आपको इस मेले के अंदर एंट्री किया हूँ, और इस मेले को मतलब दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं अभी मेन गेट से मैं इतना दूर एंट्री कर गया, इतना दूर बोलते हुए एंट्री कर गया, देखिए गेट कहाँ है, वहाँ इतना दूर गेट है, वो 7 नंबर गेट है जिससे कि एंट्री होगी, मैं आपको पहले भी बताया, और ये इधर भी एक गेट है, मगर देखिए ये सब गेट सारे गेट ब्लॉक हो जाएंगे, सब पे फोर्स रहेंगे, उधर एक गेट है वो वाले गेट से एंट्री होंगे, अभी उधर भी चलेंगे, उधर मुख्य पंडाल भी है, वहाँ भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे भारत का नक्शा बना हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अभी बारिश होने के कारण बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको मतलब ढक दिए गए हैं, जैसे वहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन जो ढका हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार, मतलब बिहार का ही लिखा हुआ है, आई लव बिहार, मगर सब चीज़ को ढका हुआ है, इसलिए ढक दिया है क्योंकि बारिश हो रहा है, हर जगह वाटरप्रूफ पेंट है, फिर भी ढक दिया गया है, क्योंकि अभी मतलब गंदा ना हो जाए वो, मतलब अभी पेंट जस्ट हुए हैं तो ख़राब ना हो जाए, और मेंटेनेंस एकदम हाई लेवल की चल रही है भाई। फाइनली हमने ना वीडियो अभी रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, क्योंकि अभी बारिश इतना तेज़ हुआ है लगातार 1-1.5 घंटा,
कि आप स्थिति देख सकते हैं गांधी मैदान की स्थिति क्या है, और ये आप नीचे देख सकते हैं मेरा पैर अभी क्या है, मतलब इतना गंदा स्थिति हो चुका है गांधी मैदान का, पता नहीं इसको अब सुखाया जाएगा, क्योंकि दो दिन पहले पानी मार मार के इसको मतलब थोड़ा सा धूल उड़ने के लिए बचाया जा रहा था, अब इसको सुखाया जाएगा। और ये जो मेरे पीछे अभी स्टॉल देख रहे हैं, ये सब स्टॉल मतलब सब जितने सरकारी जो काम होते हैं, जैसे कि बिहार में बहुत सारे काम होते हैं, RBI हो गए, SBI, मतलब जो भी काम होते हैं, जैसे हम एक दो दिन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सुधा है, तो सुधा अपना क्या है, क्या उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कैसे जाँच करे, ये सब चीज़ की जानकारी देगा। RBI है तो RBI का भी स्टॉल रहेगा, जैसे कि आपको बताएंगे कि हाँ कौन से असली नोट है, इसकी जानकारी कैसे ले, हाँ बैंक में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं तो बैंक में प्रॉब्लम मतलब अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, अगर बैंक नहीं सुन रही है आपकी प्रॉब्लम को तो डायरेक्ट RBI को कंप्लेन कैसे करें, ये सब जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पे SC ST है, मतलब दलित जो जाति होते हैं उनके लिए भी है कि उनकी क्या राइट है, ये सब चीज़ जानकारी दी जाएगी। फिर से इधर बेल्ट्रन भी है, जिसको जानते होंगे कि जो जॉब प्रोवाइड करती है बेल्ट्रन, हाँ वो भी है, मतलब उससे जिसको प्रॉब्लम है वो भी आकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारा यहाँ पे स्टॉल लगने वाला है, स्टॉल लगने वाला है कि इधर भी है और उधर भी है, मतलब ये दो तीन जो कंपाउंड है इसके अंदर स्टॉल लगने वाला है। और यहाँ पे भी बारिश होने के कारण मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मतलब जो माहौल है ना वो पूरा गीला हो चुका है, क्योंकि आप नीचे का स्तर देख सकते हैं, मैं शू देखे कि कितना नीचे मतलब जा चुका है, और मैं इस बारिश में थोड़ा सा बच के खड़ा था इस पंडाल के अंदर, और ये पंडाल वाटर प्रूफ होने के बाद भी पानी बहुत ज़्यादा गिरा है। तो अभी देखिए, अब यहाँ देखिए इसकी स्थिति, मेरे जूते की स्थिति देखिए कहाँ जा रही है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, पता नहीं मुझे इसको सुखाना ही पड़ेगा बिहार सरकार को, क्योंकि अब सुखवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पानी छिटवा छिटवा के बहुत जीत की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल जो कोविड के बाद जो हो रहा है ना, नेचर एक नेचर अलग रूप दिखा रहा है, क्योंकि नेचर जो है ना एक बहुत ही अच्छा एक इमेजिन अपना रूप दिखा रहा है, क्योंकि आप जब देखेंगे जो भी चीज़ तो फेस्टिवल में आदमी को जिस टाइप का माहौल चाहिए उस टाइप का माहौल क्रिएट कर दे रहा है नेचर। जैसे देखिए अभी यहाँ पे पानी छींटा जा रहा था, ज़रूरत थी इस चीज़ की, ऑटोमेटिक बारिश हो गई, क्या चाहिए भाई, मतलब नेचर एकदम समझिए तो थैंकफुल है, और गॉड के हम लोग थैंकफुल ही बोलेंगे, क्योंकि मतलब जो चीज़ चाह रहे हैं आप, क्योंकि इसको लेके बहुत अच्छा ही हुआ है। क्योंकि देखिए आप जब अगर मान 22 को प्रोग्राम है, अगर 22 को अगर बारिश होती तो पता है कोई बांस नीचे हो जाता कोई ऊपर, तो अभी सब चीज़ का समझो तो एक जांच हो गया कि बारिश होने से क्या क्या चीज़ संभावना हो सकती है, क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, सब चीज़ को सुधार लिया जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अभी हम बारिश होता इसलिए रुक गए थे यहाँ पे। ये भी देखिए अभी एक स्टॉल है जहाँ पे बैठने का कुछ सीटिंग पॉइंट रहने वाले हैं, और ऐसा ही बहुत सारे बीच बीच में मंच रहेंगे, और उधर मेन मुख्य पंडाल है जहाँ पे अभी हम चलेंगे, क्योंकि अभी हम जो है गांधी मैदान के मतलब 50% ही विजिट किए, मेन अभी चलेंगे मुख्य पंडाल जहाँ पे पन्नी से थोड़ा सा कवर किया हुआ है, वहाँ पे पूरा अपना भारत का नक्शा बना हुआ है जो कि कवर किया हुआ है। अभी हम मुख्य पंडाल की तरफ भी चलेंगे, और ये हमारे पीछे जो अभी देख रहे हैं इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, और इस पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और इधर देखिए हर समय फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, मतलब कभी इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड भी लगा हुआ है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पंडाल अभी मतलब ये भी थोड़ा सा पानी से मतलब पानी जो होने के कारण ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मगर देखिए थोड़ा सा मैं उधर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पानी जो है ना वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा ही। देखिए ये अभी स्टेज तो बन रहा है, मतलब स्टेज भी मेरे कंस्ट्रक्शन में ही है, और नीचे पानी देखिए कितना हार्ड है, मैंने पानी वाली जगह में जाके देखता हूँ, देखिए खतरनाक पानी, मतलब देखो भाई इस सब को सुखाना पड़ेगा, बिना सुखाए हुए तो कोई उपाय नहीं होने वाला है, बहुत खतरनाक हो गया है बारिश। ये जो हमारे पीछे भी जो देख रहे हैं ये जीविका के थ्रू हो रहा है, जहाँ पे मतलब गरीब महिलाएं जो घर पे रहती है और कुछ काम नहीं कर पाती है उनके लिए, मतलब उनको ये चीज़ के लिए डिनोट किया जाएगा ये इस जगह पे, कि हाँ आप कैसे भी मतलब घर में रहकर कोई भी कुटीर उद्योग करके कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये सब चीज़ जो हट दिख रहा है ये सब में लगने वाले हैं, मतलब बकरी पालन करके आप कैसे कमा सकते हैं, मतलब गाय को पालन करके कैसे कमा सकते हैं, मतलब यही सब चीज़ें इसमें मतलब सैंपल लगने वाला है, और यही सब चीज़ बताया भी जाएगा महिलाओं को कि आप गाँव में भी रह के कैसे आप अपनी मतलब इनकम सोर्स को डेवलप कर सकते हैं। इसी के लिए ये सब हट जो दिखाया जा रहा है, मतलब एक गरीब मतलब जो एकदम नीचे स्तर के लोग होते हैं उनके लिए ही ये हट बना गया है, ये मतलब ये कैंपस उसी को डिलेट भी करेगा। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ मतलब एक अलग चीज़ को डिलेट करता है, और यहाँ पे मतलब बुद्ध भगवान की मूर्त दिखेंगी आपको, बहुत सारे टेम्पल्स दिखेंगे आपको, और यहाँ पे बहुत जो आर्ट्स जो कर रहे हैं जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो भी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट मतलब 90% अप्रॉक्स पटना आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और अच्छा लगता है जब सारे स्टूडेंट आके ये सब जो आर्ट कर रहे हैं ना, ये सारे मतलब पटना आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं के द्वारा ये सब आर्ट किया गया है, जैसे कि अभी कुछ बन रहा है मतलब ठीक से अभी दिखा नहीं है चीज़, और ये जो है ना ये मंदिर बन रहा है, ये क्योंकि दिख रहा है मुझे ये मंदिर है, सूर्य मंदिर ऐसा बन रहा है, ये सूर्य मंदिर है। और इधर आप देख सकते हैं जैसे कि शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप है, उनका एक कैटलॉग दिया गया है विश्व शांति स्तूप का, और ये जो है सूर्य मंदिर है, और ये सब जितना भी आर्ट्स किया गया है ना पटना आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट, मतलब समझिए एक प्राउड की बात है कि उन लोगों ने आके अपनी मतलब पूरी अपनी मेहनत से इसके लिए अपना समय दिया, और पूरे पटना आर्ट्स कॉलेज के पूरे स्टूडेंट आके यहाँ पे मतलब ये साड़ी पेंटिंग्स मतलब मिथिला पेंटिंग जो भी है इस सब पे उन्हीं का योगदान है, और ये सब उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था सब,
और मैं कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था बारिश होने से पहले थोड़ी सी। फाइनली अभी हम आ चुके हैं मुख्य पंडाल। मुख्य पंडाल आने से पहले मुझे बहुत प्राउड हुआ क्योंकि हमसे फिर से मिले, मतलब आपने कभी देखा हुआ सोनपुर मेला में तो इन्होंने बहुत अच्छा से महिलाओं के लिए जो चलाया था बहुत अच्छा योगदान रहा था इनका सोनपुर मेला में। और फिर से हमको मिल चुका है टुनटुन जी जिनके द्वारा ही मतलब ये पूरा मतलब ये मुख्य पंडाल आप ही के द्वारा हो रहा है शायद और ये साइड पंडाल। तो मतलब क्या सेंस, मतलब क्या, मतलब आपने क्या सोचा सोनपुर से यहाँ, मतलब कितनी प्राउड वाली बात है ये? ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। ऐसे काफ़ी पहले से भी हम लोग काम करते आ रहे हैं। हाँ। पूरे देश में हम काम करते हैं। पहले हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा से 40-50 साल पहले शुरू किए थे। हाँ। हम लोग सिर्फ सोनपुर मेला में ही करते मतलब करते थे। हाँ। धीरे 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 हम आ गए, हम भी आ गए, फिर मेरे बाद का एक और जनरेशन भी आ गया है। अच्छा। तब हम लोग पूरे देश में ये काम करने लगे हैं। खैर बिहार दिवस बहुत ही अच्छा दिन है। इस बार एक नए लुक में नए रूप में गांधी मैदान पटना में हो रहा है। मतलब हाँ, एक सब दिन से अलग, मतलब हम बोले ना आजादी के बाद कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं था, कभी कभी भी नहीं ऐसा हुआ था। हो रहा है, आज थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। बहुत अच्छा, ये तो मौसम को अच्छा ही बोलेंगे ना। हम लोग तो ये मान रहे हैं कि भगवान गुलाब जल छींटे हैं। छींटे वही भाई, तो क्योंकि पानी छिटवा रहे थे आप ऑटोमेटिक। हम लोग परेशान थे धूल से और हम लोग हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव सोचते ही नहीं है। इसलिए जो भी होगा अच्छे से होगा, बारिश भी छूट जाएगी, प्रोग्राम भी अच्छे से होगा। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या वो है? इस बार का थीम है युवा शक्ति, युवा शक्ति। अभी इसको ढक दिया गया है, कल जब आएंगे तो आपको हटा मिलेगा किस तरह युवा बारिश को लेकर युवा जब आगे आ रहे हैं, बच्चे हों बच्चियाँ हों। अब तो चूंकि आने वाला जनरेशन निलो का है, सब कुछ सिस्टम से ऑनलाइन होते जा रहा है। जब ऑनलाइन में कब होगा, जब वो टेक्निकली जानेंगे, इसलिए युवा शक्ति विषय है, सरकार उस पर अच्छे से काम कर रही है। इस पर खास करके शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त प्रधान सचिव महोदय हैं, मुख्य सचिव महोदय हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, डे टू डे मीटिंग करते हैं। आज भी उनकी बैठक है स्थानीय प्रशासन के डीएम साहब, एसपी साहब, प्रशासन अभी डीएम साहब भी जो पूरा सहयोग मिलता है, वो लोग भी दिन भर लगे रहते हैं। किसी तरह से ये अच्छे से हो जाए कार्यक्रम, हो जाएगा। बारिश तो अपने हाथ का चीज है नहीं, वो तो ऊपर वाले का है। बहुत सारे डिपार्टमेंट का भी ट्यूशन प्रदर्शनी लग रहा है, मुख्य रूप से महिला विकास निगम और पर्यटन विकास, बिहार पर्यटन विकास निगम का व्यंजन मेला, बिहारी फूड का स्पेशल एक अच्छा, अलग वो से पर्यटन विभाग लगा रहे हैं। हाँ, वो 1,00,000 स्क्वायर फुट में अलग से लग रहा है, पर्यटन विभाग का, पर्यटन विकास निगम का। पर्यटन विभाग लगवा रहे हैं वो व्यंजन मेला निगम। अच्छा, विभाग का अलग से एक प्रदर्शनी लग रहा है, निगम का एक अलग से व्यंजन मेला करके लग रहा है। उस तरह से आपदा है, परिवहन है, आरबीआई है, जीविका है, सब है। हाँ, भारत सरकार का नेशनल बुक ट्रस्ट भी आया है अच्छी अच्छी किताबें लेकर के। हाँ। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे और उम्मीद है कि मुझे हाँ मुझे ये भी लग रहा है ना, ये जब हटेंगे तो मतलब एक पर्दा लगा हुआ है, बहुत ही मतलब खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। बचाने के लिए लगाया, बारिश से बचाने के लिए बहुत। आज पिछले 15 दिनों से कलाकारों ने दिन रात मेहनत करके इसको सजाया है, तो नहीं चाहेंगे कि उनके मेहनत पर पानी फिरे। और ईश्वर तो मेहरबान है, मेहरबान है। मतलब ये मुझे अभी ऐसे ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पंडाल मतलब मुझे लग रहा है 22 को मतलब इतने मतलब बेस्ट तरीके से दिखेंगे पटना में। इस बार बहुत नए लुक में होने जा रहा है, काफी साफ सुथरा ढंग से अच्छे से हो रहा है। और आपने बहुत मेहनत किया इस बार, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप होंगे यहाँ पे। मतलब जब मैं मतलब फर्स्ट एंट्री किया था, मुझे देख के मतलब बहुत प्राउड हुआ कि वाह, मतलब ये आप भी यहाँ आ सकते हैं, मतलब बहुत मुझे प्राउड हुआ था। काफी अच्छे से हो रहा है और सारी तैयारी। और मुझे एक बात की और खुशी हुई ना कि आप मतलब ये आपके द्वारा ये मुख्य पंडाल समझ जाए, मतलब इसका एक पूरे हॉल स्क्वायर का देखा जाए ना, मतलब इसका मेन जो थीम होगा, लोगों का जो मेन नजरिया होगा ये मुख्य पंडाल पे होगा। मुख्य पंडाल आपके द्वारा है, तो पूरा पंडाल ही मेरे द्वारा है। अच्छा, पूरा पंडाल मुख्य पंडाल तो मेन है ना सर? नहीं, मुख्य मेन है, लेकिन पूरा बिहार देश का ऑफिशियल इवेंट बनाया जाए, मुझे बनाया गया है पूरा बिहार देश का ऑफिशियल। जी जी जी, पूरा गांधी मैदान में ये लग रहा है। तो अभी हम लोग का लगभग 350 वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं, 350 वर्कर। उनका लंगर भी चल रहा है। अच्छा, लंगर भी चल रहा है। अच्छा हाँ, उधर लंगर चल रहा था, मैं सुबह ध्यान दिया था। सारे लोग खाते हैं, काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं 22 को मिलूंगा तो जरूर मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।